मेहंदी में लाल 32 से 33 ग्राम चांदी है या उसकी कीमत है मौजूदा कीमत जो भी हो, इससे कम मेहर में नहीं होता है। लेकिन हमें देखना ये है कि क्या इतना कम मेहर उस औरत के लिए बनता है जिस औरत को हम अपने घर में लेकर के आ रहे। तो एक गफलत तो ये है, इस गफलत को हमें दूर करना पड़ेगा। मेहर हमें मौके के लिहाज से लड़की की काबिलियत, उसकी खूबियां, उसकी सलाहियत, उसके हौसलों को देखकर और लड़के की हैसियत देखकर भी लड़का अदा कर पाएगा। उन इन दोनों बातों को देखकर के मेहर में क्या करना है, देख करना है। दूसरी खराबी और बुराई हमारे माशरे से हमें ये खत्म करना है कि हमें दूसरे खर्चों की तरह मेहर नकद अदा करना है। क्या करना है ना? अच्छा, जो सासू सियासी रुपए मेहर अदा करते हैं ना, वो भी नकद अदा नहीं करते, वो भी उसको क्या करते हैं, उधार करते हैं। जो 11,786 रुपए मेहनत कर रहा है ना, वो भी उधार कर रहा है। जो 25,000 रुपए मेहनत कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, उधार कर रहा है। भैया, आपके शरीर की तरफ से हुक्म ये है कि आप मेहर कितना अदा करते हो, जितना मेहर आप अदा कर सकते हो, तो इतना कम पीना हो कि जो तुम्हारे लिए अदा करना कोई मुश्किल ना लगे, और इतना ज्यादा पीना हो कि तुम उसको अदा ही ना कर सको। कुछ बीच बीच का ऐसा रास्ता इख्तियार करो जिसकी वजह से तुम्हारे लिए अदा करना आसान हो जाए और वो कीमत जब औरत के पास जाए तो उसको लगे कि मुझे कुछ माल मिला है, कुछ दौलत मुझे मिली, मेरी इज्जत अफजाई के लिए जो कुछ रकम मुझे मिली है मेहर की शक्ल में, बाकी तक ये क्या है, एक मोटी रकम, एक भारी रकम है और बड़ी रकम। तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मेहर को मुअज्जल की बजाय मुअज्जल बनाए। क्या बनाए? नकद। उधार की बजाय क्या बनाए? नकद बनाए। मेहर को नकद करने का सिलसिला हमें जारी करना चाहिए। शरीयत ने उधार का ऑप्शन इसलिए दिया था ताकि आप निकाह में दाखिल न करें। आप दुनिया के तमाम तर अखराजात अदा कर रहे हैं तो उसमें एक खर्च आप मेहर का भी बढ़ा दें, हमें ये भी क्या करना है, नकद करना है। आप 1,000 लोगों की दावत कर रहे हैं और 1,000 लोगों की दावत करने में तकरीबन आपको 1.5-2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, कितने का समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो आप 800 लोगों की दावत करें, 750 लोगों की, इतने लोगों की 750 लोगों की आप दावत करें, 250 लोगों की दावत आप कैंसिल कर दें, उसके जो 50,000 रुपए मेहर बचेंगे 2 लाख रुपए के खर्चे में, जाहिर सी बात है 1,000 लोगों का खर्च अगर 2 लाख रुपए का आ रहा है तो 750 लोगों का खर्चे कितने रुपए का आएगा, 1.5 लाख रुपए का। अब जो 50,000 रुपए आपने बचाए हैं उनको आप कहीं अदा कर दें, मेहर में अदा कर दें। इस तरह अपने माशरे में कुछ सुधार की और एक अच्छी पहल की कोशिश करें ताकि ये जो रिवाज हमारे माशरे में चल पड़ा है मेहर के उधार का, ये खत्म होकर के मेहर नकद सिद्ध की तरफ में आ जाए और औरत का जो एक कर्जा हमारे जिम्मे है वो फर्जों पर क्या हो जाए, अदा हो जाए। मेहर अदा नहीं हो पाता है बाद में, बहुत सारे जमेने, बहुत सारे जरूरियात होती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके खर्चे, फिर उनके स्कूल, फिर बड़े होना शुरू हो जाते हैं और इंसान समझता है कि मेरी बीवी है और औरत समझती है बेचारी हमारे माशरे की औरतें तो इतनी बोली वाली सीधी साधी है कि वो कभी मेहर का मुकालबा भी नहीं करती है। उलमा ने लिखा है कि औरत कहाँ है, वो जब चाहे मेहर का मुकालबा कर सकती है, अगर हमने उसको मेहर नहीं दिया तो वो अपने आप से फायदा उठाने से भी मना कर सकती है। बड़े मसाइल है इसके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी ने किसी औरत से निकाह किया और उसने मेहर ना देने की नियत कर ली, मुझे मेहर देना नहीं है, और बाद में देने की कोशिश भी नहीं की, तो वो कयामत के दिन जानी होकर के उठाया जाए। बात समझ रहा हूँ, हराम खोरी करने वाला जैसे इंसान काशिरों बना, ऐसे इसको अल्लाह ताला जिना खोर बना करके इसको उठाएंगे और उस काशिर जिना होने की सूरत में। बाद उलमा ने लिखा कि जिसने अपनी औरत का मेहर अदा नहीं किया, बगैर मेहर अदा किए वो मर गया, तो जितने दिन उसने अपनी औरत से मुलाकात की उसने हराम खोरी की और जितनी औलाद उसकी पैदा हुई है वो भी सब हराम की।